अर्चना जी, आजकल बॉलीवुड में जो चीज सबसे कम देखने को मिलती है वो है मल्टी स्टारर फिल्में। Am I right? Yes. हाँ, बस इतना ही कहना था। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसमें बहुत सारे स्टार्स आपको देखने मिलेंगे और उससे भी मजे की बात यह है कि वो सारे इधर आ रहे हैं। वाओ! साहब पार्किंग में लगा दिया। वरुण आले, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। आपको बहुत बहुत बधाई हो। कलंक का ट्रेलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा है। वरुण और आलिया दोनों आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर। और फिल्म भी बहुत ग्रैंड लग रही है। लेकिन अगर आपको फिल्म का ट्रेलर देख के ये ना पता चले कि कौन किसकी पत्नी है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो समझ जाइए कि फिल्म जो है करण जौहर साहब की है। तो अभी वरुण और आलिया क्लियर करेंगे कि दोनों में आपका एक दूसरे के साथ क्या हिसाब किताब है। मेरे किरदार का नाम रूप है। रूप, अगर मैं कुछ लफ्ज में कहूँ तो उसकी जिंदगी की एक ही मकसद है, जो भी वो करते है वो प्यार के लिए करती है। अच्छा। और उसकी एक ही सोच है और वो प्यार है। प्यार करना। वाओ। और वरुण आप? मेरे किरदार का नाम जफर है और जफर की बोली बंदूक की गोली है। ओह। तो जो ठान लेता है वो कर लेता है। और मैंने तो फिल्म के ट्रेलर में भी बोल दिया था कि रूप की मोहब्बत मेरा हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा। अच्छा, वरुण और आलिया ने जितनी भी फिल्में साथ में की है ना, चाहे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अब कलंक, तो ये सारी फिल्में अच्छा दोनों ने साथ में करी हैं और साथ में करण जौहर साहब की प्रोडक्शन में। एक बात पूछने जाता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है। हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे क्या अपनी मर्जी से? तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाई चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी है, करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने की। लाइक्स टू सी पीपल फॉलिंग इन लव एंड बीइंग टुगेदर। बड़ी खुशी होती है उनको। खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी बड़े बजट की फिल्म है, जितनी ग्रैंड फिल्म है, उस उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कलाकारों को। आलिया के बारे में हमने सुना है कि इन्होंने इस फिल्म के लिए कथक भी सीखा है। बड़ा ही मुश्किल होता है कथक सीखना। आपको पता आलिया, अर्चना जी ने भी सीखा था। हाँ, ताती कर रही थी, ऐसे किया, दो को डांसर थप्पड़ मार के मार दी उन्होंने। पहली बात सही बात की। बाद में इनके गुरुजी आए, ऐसे ऐसे करके मना करके कहे ना ना हम नहीं सीखेंगे। अच्छा आलिया, कितना वक्त लगता है? मैंने कभी इंडियन क्लासिकल फॉर्म में ट्रेन नहीं किया है तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि पहले अभिषेक ने मुझे बताया कि तुम्हें डांस करना है। बोला हाँ ठीक है, माधुरी मैम के सामने। तो मैं ऐसे हो गई, तो मैं पागल हो गई थी। एक साल के लिए मैं एक ही घर मोरे परदेसिया, घर मोरे परदेसिया कर रही थी। I had to. मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अर्बन और मॉडर्न है। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। But मुझे बहुत मजा आया करते हुए। हाँ। Very nice. वरुण आप भी कोई ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं? बिकॉज आपके तो पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हालांकि दोनों फिल्मी फैमिली से हैं। पता ही था गल्ले पे बैठना है चल के अपने धंधे पे। तो ऐसा मेरा तो गणपति विसर्जन। अरे मतलब वही ट्रेनिंग था, क्योंकि मैं रहता हूँ जूह में। हाँ। तो जूह बीच पे लोग नए नए स्टेप्स मिलते रहते हैं। मतलब जैसे आजकल एक और आ गया है। अलग 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 जगहों से लोग रखते हैं। नो बट पीपल अलग अलग मूवमेंट हो गए एक्चुअली। आपके शो पे आदित्य रॉय कपूर भी आ रहे हैं। हाँ। के उनको कराना आप डांस। अच्छा, अरे मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। प्लीज और गणपति डांस। आलिया, अभी जो कलंक में लैंग्वेज बोल रही है वो बड़ी तहजीब वाली है। हाँ। बड़े घर के बच्चे दिखाए गए हैं। हाँ। इससे पहले गली बॉय आई थी इनकी, उसमें लैंग्वेज बिल्कुल ही कंट्रास्ट था। बहुत बहुत ही मजा। ऐसे ही आपके फैंस देखना चाहते हैं, जो बच्चे आए सारे बोलते हैं कि आलिया ने इतना अच्छा रोल किया गली बॉय में। अगर गली बॉय वाली लैंग्वेज अगर आपको किसी तहजीब वाले करेक्टर में बोलनी हो, सपोज मैं बनता हूँ बादशाह अकबर, ये है सलीम और आप हैं अनारकली, ठीक है? सफीना वाल। हाँ। तो सलीम साहब के डायलॉग से शुरू होगा, बादशाह अकबर खड़े, सलीम जापना, हमें अनारकली से मोहब्बत है, हम इनसे निगाह करना चाहते हैं। खबरदार, अगर इस कनीज ने तुम पर नजर डाली तो हम इसकी जान ले लेंगे। और हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। अबे, मेरी जान लेगा तू?
तेरा लिवर है ना, ट्रांसप्लांट करके हाथ में निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगी। अनारकली तू चुप रह। हाँ बोल। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ। क्या है, क्या बोलते उसको, कुछ जिल्लते जिल्लते इलाही। अनारकली जिल्लते इलाही नहीं, जिल्ले इलाही। हाँ सेम टू सेम। देख देख सलीम और मेरे बीच में काफी गुलू गुलू है, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तू बीच में आएगा तो साइड में लेके धोप डालूंगी मैं तेरे को। गुस्ताख, तेरी भैंस की आंख। तुम सलीम से कभी नहीं मिलोगी, खाओ मेरी कसम। मर जाएगा तू। और अगर नहीं मरा तो मैं खुद ठोक डालूंगी, समझा? वाओ नारकली, सही सलीम मेरा है। और अब वक्त है कलंक से दो और बड़े ही पॉपुलर स्टार्स को यहां इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा, और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लड़कों को एक बार फिर से आशिकी सिखाई, द वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आदित्य राय कपूर। आदित्य, सोनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सर बैठे गए हम लोग, सब एक ही सोफा पे बैठे गए, साथ में आए हम लोग। ओके, इतने पतले वैसे एडजस्ट हो गए, इतने लंबे हैं सर, मैं थोड़ा ऊपर बैठ जाऊंगा। वुड यू लाइक टू हैव सम फूड? ये खास नहीं, नहीं खा सकते, ये फ्रेमिंग ठीक से होगा नहीं। अरे ओरिजिनल है? नहीं सर, ये असली नहीं लग रहे। अरे ओरिजिनल है भाई, पहले आप खाओ। मैं बिल्कुल, मेरा व्रत है वैसे। आपको अंगूर सर, रुको ये देखो। अरे असली है, धोए नहीं थे लेकिन असली तो है। केले भी हमने इंपोर्टेड मंगवाए, देखो पतले छिलतर वाले। अगर आपका व्रत है आप खा भी सकते हैं। सर इंपोर्टेड? मैं पहली बार खा रहा हूँ खुद, मुझे पता नहीं। बाद में खाएंगे सारे, खा नहीं जाने, और भी एपिसोड शूट करने। अच्छा कलंक तो आ ही रही है, लेकिन हर जगह खबर आ रही है कि दबंग 3 की जो शूटिंग है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई? माफी चाहती हूँ, मैं आना चाहती थी बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं शायद ट्रैवल कर रही थी। बट अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आपको खुले आप भैया बुला सकती हूँ। अरे वैसे भाई भाई बोलते, मेरी शादी में नहीं आई, मेरे ससुराल वालों ने बड़े गिफ्ट दिए बहनों को, पता है? तुम्हारा लॉस हो गया। हेलो, अभी भी दे सकते हैं? अरे इतने भी अच्छे नहीं, 2 महीने बाद बदल गए। पूरी कलंक की टीम आई ली, जोरदार ताली हो जाए। क्या यार वरुण, वरुण इतना बड़ा स्टार, इधर पूरी कास्ट सुपर स्टार, इनकी फैमिली सुपर स्टार। आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं कि सब फर्स्ट क्लास है, हम लोग से पूछो थर्ड क्लास लोगों से। अरे कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है, इधर सोनाक्षी तो समझती है। क्या? शूटिंग पर आओ, इधर सैटरडे संडे का कंटेंट बनाओ। चैनल का अलग प्रॉब्लम, स्पॉन्सर का अलग प्रॉब्लम। इधर आओ, पहले लड़के से लड़की बनो। नहीं मैं अपनी नहीं, अर्चना जी की बात कर रही हूँ। सब फर्स्ट क्लास है। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हुई वरुण को, मालूम है? मैं डेविड साहब को बोली थी कि वरुण का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उन्होंने नहीं दिया, लग गया ना कलंक। अबे उनकी फिल्म आ रही है कलंक। हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं सिर्फ कॉमेडी कर रही है, बात बना रही है, बीच में टोकना मत मेरे को। अगर ज्यादा टोका ना और मेरी कॉमेडी नहीं निकली, हम लोग को कलंक लग जाएगा, इधर बता रही हूँ पहले। हाँ मैम बैठेगी। अरे आदित्य, कैसे हैं आप? कैसे? फर्स्ट क्लास। दो दो सरनेम वाले हीरो है जी, रॉय और कपूर, बड़े लोग। मैं, मेरे को अमीर लड़के बहुत पसंद है। अच्छा। मैं सच्ची बता, इनका नाम भी कैसे अमीर लोग का रहता है ना, बड़ा आदित्य रॉय कपूर। हम देखो गरीब लोग, सपना लाल। मैं सच्ची बोलते, मेरे को अपना रॉय दे दो रॉय और मेरा लाल ले लो ना। सच्ची में आपका कपूर लाल भी अच्छा लगेगा। आदित्य लाल कपूर। हाँ आपको बताया, इनकी पिक्चर आई थी ना आईसी की। हाँ। उसमें मैं भी थी। कहाँ? तू कहाँ थी? अरे वो सीन था ना, वैसे सब बैठ के सब लोग दारू पी रहे। हाँ तो हीरो तुम कहाँ थी उसमें? मैं तो बर्फ लेने गई थी ना। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.